हेलो स्टूडेंट, आई एम AK, आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी विद AK पर। टुडे वी विल टॉक अबाउट द साइंस चैप्टर विच इज नेसेसरी फॉर एवरी स्टूडेंट एंड कंप्यूटर। सो द चैप्टर नेम इज मैटर एंड दैट्स नेम इज सॉलिड लिक्विड एंड गैसेज। सॉलिड लिक्विड and gases. Okay student, now we start about the solid liquid and gases. अब solid liquid gases की बात करें तो हम सबसे पहले start करते हैं matter, because matter को तीन भागों में बांटा गया है। क्या? matter को तीन भागों में बांटा गया है matter को तीन भागों में जिस थ्री स्टेट में डिवाइडेड है या थ्री भाग में बांटा गया है सॉलिड लिक्विड गैसेस। तो मैटर की अगर बात करें हम, मैटर का मतलब है पदार्थ। क्या मतलब है? पदार्थ। पदार्थ क्या होता है? पदार्थ तो मतलब क्या है कि हमारे एवरीथिंग इज मैटर इन दिस वर्ल्ड। हमारे पूरे संसार में कोई भी वस्तु हो हम उसे मैटर कहते हैं। अगर बात करें इसकी डेफिनेशन की तो मैटर इज ऑल अराउंड अस। मैटर हमारे चारों ओर है। अब बात करें मैटर की तो मैटर इज ऑल अराउंड अस। बहुत अच्छी बात है कि मैटर हमारे चारों ओर फैला हुआ है, इस ये कुछ जमा नहीं। अगर सिंपल भाषा में कहें हम तो एवरीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, एवरीथिंग हैज दैट मास एंड ऑक्यूपाई स्टेट आर कॉल्ड मैटर। अगर कहें इसको एवरीथिंग Everything has mass and occupy space are called matter। ये कुछ अच्छा लगा। वह सारी चीजें मैटर हैं जो मास और स्थान घेरती हैं। बहुत अच्छी बात है, सब कुछ आ जाएगा उसमें तो बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं इसको तीन टाइप्स में डिवाइडेड किया गया है, सॉलिड लिक्विड थर्ड गैस। ओके, इन तीनों टाइप्स में डिवाइडेड किया गया है। अब बात करते हैं मैटर। मैटर हमारा क्या है कि सॉलिड लिक्विड और गैस की फॉर्म में पाया जाता है, बट मैटर बहुत बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है। सपोज दैट कोई रबड़ है, कोई पेंसिल है, ये मेरी पेंसिल है, तो ये किससे बनी हुई है? प्लास्टिक से बनी हुई है। बट प्लास्टिक क्या, अगर इसको तोड़ डालूं तो छोटे छोटे पीस में हो जाएगा, और अगर पीस को भी तोड़ डालूं तो और छोटे छोटे पीस में हो जाएगा, और पीस को भी तोड़ डालूं तो उससे भी छोटे छोटे पीस में हो जाएगा, और जो स्मॉलेस्ट पीस होगा उसको हम कहेंगे मॉलिक्यूल। क्या कहेंगे भाई? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल अगर डेफिनेशन इसकी बात करें तो मॉलिक्यूल इज द वेरी टिनी पार्टिकल ऑफ एनी मैटर, या मैटर इज मेड ऑफ वेरी वेरी टिनी पार्टिकल इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। वेरी सिंपल डेफिनेशन। तो क्या है? ए मॉलिक्यूल इज वेरी टिनी पार्टिकल पार्टिकल कॉल्ड मॉलिक्यूल। क्लियर? मॉलिक्यूल हमारा क्या होता है कि पदार्थ का मैटर का बहुत सबसे छोटा पार्ट होता है। दिस इज द बेसिक साइंस। ओके, एंड द स्टैंडर्ड अबाउट फोर्थ एंड फिफ्थ, अबाउट फोर्थ क्लास। ओके, एंड फिफ्थ में अगर हम आएंगे तो थोड़ा और बड़ा सीखेंगे सॉलिड एंड लिक्विड्स, सॉलिड एंड गैसेस को। सिक्स में आएंगे थोड़ा और बड़ा, सेवंथ में, एट्थ में पूरा सिस्टम सीख लेंगे। तो मैंने बेसिक, बिल्कुल बेसिक से अगर बात करूं मैं
एटम की, तो ये कुछ बड़ा हो जाएगा। तो आज हम बेसिक ही सीखते हैं, ओके। तो बेसिक शुरू करते हैं। अगला अगर बात करें हम सॉलिड की, तो सॉलिड सॉलिड क्या होता है? सॉलिड सॉलिड अगर मैं बात करूं इस पेन की, तो ये पेन सॉलिड है कुछ, यानी कि इसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो क्या है कि उनकी शेप फिक्स होनी चाहिए। मतलब हमारी जो शेप है ये कुछ, अगर मैं इसे रख दूं तो ये क्या है, कुछ फेस शेप है। ये कभी बदलेगी नहीं अगर मैं इसको टेम्परेचर से मीट ना करूं। टेम्परेचर दे दूं इसको तो ये पिघल सकती है, चेंज हो जाएगी। विदाउट टेम्परेचर ये नहीं बदलेगी, ओके। तो दिस इज सॉलिड। अगर ये कहीं भी रख दूं मैं, तो ये क्या स्पेस कंज्यूम करेगी, तो ये क्या हो गया, दिस इज सॉलिड। एंड कांट फ्लो, या बह भी नहीं सकती, अगर रख दी तो रख दी, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड, ओके। एंड द और बात करें तो क्या हो जाएगा, इजी टू होल्ड, आसानी से हम इसे पकड़ सकते हैं, आसानी से पकड़ सकते हैं, तो ये क्या हो गया, सॉलिड। और भी सारी प्रॉपर्टी होते हैं, कैन बी कट एंड शेप, इसको मैं काटूं तो ये आसानी से कट भी जाएगी, तो दिस इज सॉलिड, ओके। एंड अगर और बात करें तो स्ट्रॉन्ग फोर्स बिटवीन द पार्टिकल, देखो इनके बीच क्या है, फोर्स स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब एक दूसरे से आसानी से और बहुत अच्छे से जुड़े होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। इसकी चार पांच प्रॉपर्टी होती है, बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, बेसिक के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो चार पांच बहुत रहेंगी, जैसे कि दे हैव अ फिक्स शेप एंड साइज, दे हैव अ फिक्स्ड शेप एंड साइज, शेप एंड साइज, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट अब बात करें दूसरी प्रॉपर्टी की, तो कांट फ्लो, कांट बी फ्लो, ये बह भी नहीं सकते, दे कांट फ्लो, मैंने थोड़ा शॉर्ट लिख दिया है, दे कांट फ्लो लिख देना। थर्ड क्या है हमारा, आर टू इजिली होल्ड, यानी दे आर टू इजिली होल्ड, मतलब लिख सकते हैं दे आर टू इजिली होल्ड, ओके। और चौथी प्रॉपर्टी और क्या बताई थी मैंने, तीन चार तो बताई थी यार, और भी थी, हाँ क्या, ओके वेरी गुड, दे कैन बी कट इजीली, ओके। और एक दो प्रॉपर्टी और लिख देते हैं, बहुत अच्छी बात है, स्ट्रॉन्ग फोर्स बिटवीन द इंटरमोलिकुलर पार्टिकल, या स्ट्रॉन्ग फोर्स बिटवीन इट्स पार्टिकल, कुछ भी लिख दो, स्ट्रॉन्ग फोर्स बिटवीन इट्स पार्टिकल, क्लियर। अब बात करें सेकंड क्या था हमारा, लिक्विड था, है ना। लिक्विड क्या होता है, लिक्विड को इसकी क्या होता है कि इसकी शेप तो फिक्स्ड होती है, इसकी शेप हमारी क्या है, सॉरी सॉलिड की शेप फिक्स्ड होती है, बट इसकी शेप फिक्स नहीं होती। अगर मैं पानी को ग्लास की बजाय बाल्टी में रख दूं तो वो बाल्टी की शेप बना लेगा, अगर बाल्टी का पानी कुएं में रख दूं तो कुएं की शेप बना लेगा, या किसी कॉन में रख दूं, शंकु लाइक एक ऐसे बाल्टी की जो पानी है हम रख देते हैं एक कंटेनर में, तो वो कंटेनर की शेप ले लेगा, तो उसकी शेप फिक्स नहीं होती, क्या उसकी से फिक्स नहीं होती। तो डू नॉट हैव फिक्स, यानी डोंट या डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप, क्लियर, बहुत अच्छी बात है भाई, उसकी फेस शेप नहीं होती, शेप फिक्स नहीं होती, तो पानी तो बहता रहता है तो फिक्स कैसे होगी। दे हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोनेशन, मतलब वे आसानी से फ्लो हो सकते हैं और किसी की भी शेप में बदल सकते हैं, तो सेकंड क्या हो जाएगा, दे कैन फ्लो, बहुत अच्छी बात।
फ्लो हो सकते हैं। थर्ड क्या है, थर्ड अगर बात करें तो क्या है कि वे जो हाई से लो तक बहता है, मतलब हाई पॉइंटिंग से लो पॉइंट तक बहता है। अगर मैं कहूं कि वो लो पॉइंट से हाई तक जाते हैं तो दिस इज रॉन्ग, है ना। वो क्या करते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं ना, नीचे से ऊपर थोड़े जाते हैं। तो क्या कहेंगे, फ्लो फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल, फ्लो फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल। बहुत अच्छी बात है, वो हाई लेवल से लो लेवल की ओर जाते हैं। अब बात करते हैं नंबर फोर की, और भी बहुत सारी हैं। तो और क्या है कि उनका जो वॉल्यूम है वो फिक्स्ड रहता है। अगर मैं बात करूं 1 किलो पानी यानी 1 लीटर वाटर की, 1 लीटर पानी की, अगर मैं उसे बाल्टी में रखूं या किसी कंटेनर में रखूं या किसी बर्तन में रखूं, तो उसका जो 1 लीटर है वो 1 लीटर ही रहेगा, चाहे वो फिक्स शेप किसी की भी लो ले, लेकिन वॉल्यूम उसका फिक्स रहेगा। तो क्या कह सकते हैं हम, दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। ओके, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं थर्ड नंबर गैसेस की, किसकी, थर्ड नंबर पे गैसेस। गैसेस क्या होता है, उसमें ना तो हमारा स्पेस इक्वल होता है, वो उसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता और उसका शेप भी फिक्स नहीं होता। तो दे डू नॉट हैव डेफिनाइट वॉल्यूम एंड शेप। तो बात करें गैस की, तो दे डू नॉट डेफिनाइट शेप एंड साइज एंड वॉल्यूम। उसका कुछ भी से फिक्स नहीं रहता भाई, ठीक। ओके, समझे या नहीं समझे, मतलब किसी में भी भर दें वो उसी की शेप ले लेता है। ओके, दे आर ऑफन विजिबल, मतलब वो अदृश्य रहते हैं, वो दिखाई नहीं देते। यानी गैस हमें दिखाई देती है, नहीं देती ना। बहुत सारी प्रॉपर्टी हो सकती हैं, दे आर ऑफन विजिबल, क्लियर, वे हमें दिखाई नहीं देती। या द प्रॉपर्टी ऑफ विजिबल हैव ऑन गैसेस। ओके, अगर तीसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो वही बात हो जाती है, और क्या, इसमें सारा कुछ लिख ही दिया है मैंने। ओके, क्या स्प्रेड आउट द फिल ऑल द एनी सब्सटेंस या एनी पार्ट आर अवेलेबल टू देमसेल्फ दियर वॉल्यूम। वो क्या है कि स्प्रेड आउट हो जाते हैं, दे हैव द प्रॉपर्टी इज ऑफ स्प्रेड आउट, कि क्या है कि वे अपने वेसल्स के अकॉर्डिंग, वेसल्स पात्र, पात्र मतलब बर्तन, ये बर्तन के अकॉर्डिंग अपना स्पेस बना लेते हैं। ये अगर किसी डिब्बी में बंद किया जाए तो डिब्बी की शेप बना लेंगे, और अगर उसमें वो किसी बड़े बर्तन में कर दिया जाए तो बड़े बर्तन में बन जाएंगे। तो ये क्या है, ना उनका वॉल्यूम फिक्स होता है और ना उनकी शेप फिक्स होती है। ओके, अब बात करते हैं, बहुत बेसिक बेसिक शुरू करेंगे, खत्म करा देंगे 15-20 मिनट में ही, ठीक है। 14 मिनट तो हो ही चुकी है, 5-7 मिनट और, तो बहुत ज्यादा बेसिक, अब थोड़ा सा और बचा है, एवापोर्शन और तुम्हारा वही मेल्टिंग कंडेंसेशन। ओके, तो अब बात करते हैं हम, या सेकंड पार्ट में नहीं छोड़ते, छोटा सा ही चैप्टर है और बेसिक है, तो सेकंड पार्ट नहीं बनाते इसका। तो अब बात करते हैं चेंजिंग स्टेट ऑफ मैटर। ओके, चेंजिंग स्टेट ऑफ मैटर, क्लियर।
अगर हम बात करें सबसे पहले हीटिंग, देखो दो स्टेट होती है हमारी जिंदगी, एक तो हीटिंग होती है, आई मीन चेंजिंग स्टेट ऑफ मैटर, ओके, एक तो हीटिंग होती है और दूसरी होती है कूलिंग। क्या होती है कूलिंग? दो ही तो होंगी, या तो गर्म करोगे किसी चीज को या ठंडा करोगे। आई मीन जब सॉलिड को तुम गर्म करोगे तो क्या हो जाएगा, जब तुम सॉलिड को गर्म करोगे तो मेल्टिंग फॉर्म में बदलेगी। क्या बदलेगी? मेल्टिंग फॉर्म में। और अगर मेल्टिंग फॉर्म यानी लिक्विड को गर्म कर दोगे यानी सॉलिड को तुमने हीट किया तो मेल्टिंग यानी बर्फ, आई मीन सॉलिड हो गया तुम्हारा आइस यानी बर्फ, बर्फ को अगर तुमने हीट दिया तो मेल्ट हो पिघल जाएगी, पानी बन जाएगी, और अगर मेल्ट यानी पानी को तुमने हीट किया तो एवापोरेशन हो जाएगा उसका, यानी एवापोरेट हो जाएगी। यानी पहले अगर तुम हीट देते हो सॉलिड को तो मेल्ट होगी यानी मेल्टिंग फॉर्म में बदलेगी, और अगर मेल्टिंग फॉर्म में बदल जाता है आई मीन लिक्विड हो जाती है, लिक्विड को अगर गर्म करते हो हीट करते हो तो एवापोरेट हो जाएगी वो, यानी पोर्शन में चेंज हो जाएगी। अब बात करें इसकी डेफिनेशन की, मेल्टिंग क्या हो जाएगा, व्हेन व्हेन द एन आइस क्यूब इज हीटेड ऑन बर्नर देन द चेंज इनटू वाटर। कुछ भी लिख दो यार, बहुत ज्यादा अपने मन से बना सकते हो तुम चाहो तो। व्हेन द आइस कीप्स ऑन बर्नर बर्नर एंड प्रोड्यूस द हीटेड या हीट देन द आइस स्टार्ट टू मेल्ट स्टार्ट टू मेल्ट एंड 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 ए एंड डी होता है भाई, एंड चेंज टू वाटर यानी लिक्विड इज नोन एज मेल्टिंग। क्लियर? ठीक है, जब हम आइस को कीप्स बर्नर पे रखते हैं तो प्रोड्यूस द हीट, अगर एंड प्रोड्यूस करते हैं हीट को देन द आइस स्टार्ट टू मेल्ट, मेल्ट होना शुरू कर देती है एंड चेंज टू वाटर, और वाटर में चेंज हो जाती है, वाटर आई मीन लिक्विड में इज नोन एज मेल्टिंग, उसे मेल्टिंग कहते हैं। अगर इसकी सेकेंड फॉर्म को देखें तो क्या हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म क्या होता है, एवापोरेट 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 यानी एवापोर्शन की बात करें, एवापोरेट यानी तुम्हारा हो जाएगा वाष्पन, यानी कि अगर हमारा लिक्विड है वो गैस में चेंज हो जाएगा, यानी वेन वही बात हो जाएगी, यानी वही बन जाएगी, व्हेन द वाटर कीप्स ऑन बर्नर एंड प्रोड्यूस द हीट देन द वाटर स्टार्ट टू एवापोरेट, यानी वाटर वेपर या वेपर चेंज टू वाटर वेपर इज कॉल्ड एवापोरेट। बहुत अच्छी बात है, तो लिख देते हैं एक बार बच्चों की संतुष्टि के लिए, व्हेन द वाटर कीप्स ऑन बर्नर एंड प्रोड्यूस हीट एंड हमारा क्या है, जब पानी को गर्म किया जाता है और हीट दे दी जाती है देन द वाटर चेंज टू टू वेपर वेपर इज नोन एज एवापोरेशन। क्लियर? यहां तक तो क्लियर हो गया भाई। अब बात करते हैं हम मेल्टिंग हीटिंग, क्लियर हो गया, अब बात करते हैं कूलिंग की।
कूलिंग तो छोटा सा ही है यार, कूलिंग, कूलिंग 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 क्या है, जब किसी को ठंडा किया जाता है। अगर हम वाष्प को ठंडा करेंगे तो पानी में हो जाएगा, और पानी को ठंडा करेंगे तो बर्फ हो जाएगा। तो वेन लिख दो, वेन वाटर वेपर, और वाटर 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 कूल्ड, जब पानी यानी वाटर वेपर यानी वाष्प और पानी को ठंडा किया जाता है, ठंडा किया जाता है, तो इट्स चेंज चेंज लिक्विड एंड गैसेस, आई मीन लिक्विड एंड लिक्विड एंड सॉलिड। क्लियर? क्या है कि हमारा वाटर वेपर को जब ठंडा किया जाएगा तो लिक्विड में चेंज होगा, और लिक्विड को चेंज किया जाएगा तो सॉलिड में हो जाएगा। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कूलिंग, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, क्या दिख नहीं रहा है क्या बच्चों को? When water vapor और water cooled, its change liquid and solid। यानी water vapor को जब ठंडा किया जाएगा तो लिक्विड में होगा, एंड द वाटर यानी लिक्विड को जब ठंडा किया जाएगा तो सॉलिड में, आई मीन बर्फ में हो जाएगा। तो देन द प्रोसेस इज कॉल्ड कूलिंग। क्लियर? क्लियर? नॉट क्लियर? क्लियर। अब बात करते हैं हम, थोड़ा सा और रह गया है, क्या है हमारा, यहां आ जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन वह होता है जब कोई एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस या दो से अधिक सब्सटेंस में मिलता है तो हम उसे क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। यानी अगर बात करें डेफिनेशन की, ए सॉल्यूशन इज द मिक्सचर ऑफ वन एंड टू एंड मोर सब्सटेंस। यानी कि जब कोई टू एंड मोर या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में मिलते हैं किसी भी रेशियो में, तो क्या कहते हैं उसे, सॉल्यूशन कहते हैं। अगर हिंदी में बात करें इसका मतलब होता है मिश्रण। क्या होता है? मिश्रण। अब बात करते हैं हम सॉल्यूशन की, तो डेफिनेशन लिख देते हैं बच्चों के अकॉर्डिंग। ए सॉल्यूशन इज मिक्सचर टू एंड मोर सब्सटेंसेस, टू एंड मोर सब्सटेंस सब्सटेंस इज डिसॉल्व डिसॉल्व इंटू वन एनोदर, इंटू वन एनोदर। क्लियर? जब हमारे एक दूसरे में दो या दो से अधिक सब्सटेंस क्या किए जाते हैं, मिलाए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं हम, सॉल्यूशन कहते हैं। अब इसमें बात आ जाती है सॉल्यूशन में सॉल्वेंट और सॉल्यूट की। क्लियर? तो सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूट होता है हमारा जब कोई सब्सटेंस किसी में मिलाया जाए, यानी कि जब कोई सब्सटेंस किसी में मिलाया जाए तो उसे कहते हैं सॉल्यूट। और अगर सॉल्वेंट होता है जब कोई सब्सटेंस मिलाया जाए किसी सब्सटेंस में। आई मीन पहले हो गया, सपोज दैट ये हमारा पानी है और इसमें है बर्फ, आई मीन सेंट बालू, सेंट वाटर। वाटर में क्या करोगे, सेंट ही तो मिलाओगे या वाटर में सुगर ही तो मिलाओगे, है ना? तो क्या हो जाएगा, तो अगर बात करें, दिस इज सब्सटेंस दैट्स बीइंग मिक्स्ड या दैट्स बीइंग डिसॉल्व बाय अनदर सब्सटेंस, जो मिलाया जाए उसे कहेंगे सॉल्यूट, जो मिलाया जाए, और जिसमें मिलाया जाए उसे कहेंगे सॉल्वेंट। क्या कहेंगे भाई? सॉल्वेंट। जो मिलाया जाए उसे सॉल्यूट, और जो जिसमें मिलाया जाए उसे सॉल्वेंट। अगर सॉल्यूट की डेफिनेशन देखें तो क्या हो जाएगा, इट इज अ सब्सटेंस
या दैट सब्सटेंस या दैट्स बीइंग मिक्स्ड बाय अनदर सब्सटेंस, कुछ भी कह लो, दिस इट इज सब्सटेंस दैट इज बीइंग, ओके, दैट्स इज बीइंग मिक्स्ड बाय वन अनदर, मिक्स्ड या डिसॉल्व बाय अनदर सब्सटेंस, डिसॉल्व डिसॉल्व बाय अनदर सब्सटेंस। क्लियर? जब हमारा कोई सब्सटेंस मिलाया जाए किसी अदर सब्सटेंस में तो होता है सॉल्यूट, और अगर हम सॉल्वेंट की बात करें तो सॉल्वेंट क्या होगा? दैट सब्सटेंस, दैट सब्सटेंस, दैट सब्सटेंस डिसॉल्व्स द अदर सब्सटेंस, ओके, दैट सब्सटेंस डिसॉल्व्स द अदर सब्सटेंस। द अदर क्लियर? समझ में नहीं आया होगा, दिखा नहीं, सॉल्वेंट डेट सॉल्वेंट आई मीन सॉल्वेंट डेट सब्सटेंस डिसॉल्व द अदर सब्सटेंस। सपोज दैट, अगर यहां समझ गए होगे आई थिंक तुम, ये सुगर वाला एग्जांपल, ये क्या है कि सुगर हमारा क्या है, सॉल्यूट है और पानी सॉल्वेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, मिसिबल एंड इमिसिबल। क्या? मिसिबल एंड इमिसिबल, ओके। मिसिबल और इमिसिबल क्या होता है? जब दो लिक्विड कैन बी मिक्स्ड फॉर्म ए सॉल्यूशन, दे आर कॉल्ड मिसिबल। क्या है कि जब वो आपस में मिल जाए, जब कोई दो सॉल्यूशन आपस में मिल जाए तो क्या हो जाएगा? मिसिबल, जैसे पानी और चीनी, क्लियर, वाटर एंड सुगर। लेकिन दो आपस में, व्हेन टू लिक्विड कैन नॉट बी मिक्स टू फॉर्म ए सॉल्यूशन, जब कोई आपस में ना मिल पाए या नहीं मिल पाते तो उसे कहते हैं इमिसिबल। अगर बात करें डेफिनेशन की तो व्हेन टू सब्सटेंसेस या व्हेन टू लिक्विड्स या व्हेन टू सब्सटेंस सब्सटेंस कैन बी मिक्स टू फॉर्म ए सॉल्यूशन, कैन बी मिक्स्ड टू फॉर्म ए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इज कॉल्ड या दे आर कॉल्ड कॉल्ड मिसिबल, मिसिबल, ओके। और एग्जाम्पल में अगर लें तो वाटर एंड सुगर, ठीक है, बहुत सारे हैं, वाटर एंड शीरप, वाटर एंड लाइक जो मिल जाता है, वाटर एंड नमक। क्लियर? अब बात करते हैं इमिसिबल, इमिसिबल, ओके। इमिसिबल क्या होता है? जब नहीं मिलते, जैसे कि व्हेन टू लिक्विड्स कैन नॉट बी मिक्स टू फॉर्म ए सॉल्यूशन, यानी व्हेन टू सब्सटेंस कैन नॉट बी, आई मीन कैन नॉट बी मिक्स्ड, मिक्स्ड विद ए सॉल्यूशन, दे आर कॉल्ड कॉल्ड इमिसिबल। क्लियर? एग्जाम्पल की बात करें तो सैंड एंड वाटर, द सॉल्यूशन ऑफ सैंड एंड वाटर, आई थिंक समझ गए होगे, लिखने के लिए जगह नहीं है, सैंड एंड वाटर, क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं हम, आई थिंक हमारा खत्म हो गया है चैप्टर, ओके। तो उससे पहले हम कुछ बताते हैं बच्चों को, ऐसा है कि बच्चों आज तो हम पीडीएफ नहीं लेके आए, सॉरी, बट आगे से ध्यान रखेंगे हम कि पूरी पूरी पीडीएफ लेके आएंगे और टर्निंग वाइज समझा देंगे। आज क्या पीडीएफ नहीं लेकर आए तो आगे से ध्यान रखेंगे, पीडीएफ लेकर आएंगे तुम्हारे लिए, और आई थिंक पीडीएफ से अच्छा इसमें समझ में आया होगा, है ना?
तो आगे से एक बार पीडीएफ लाके समझा देंगे, आप कमेंट कर देना कि पीडीएफ से क्लियर हो रहा है या फिर ऐसे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग एंड हिट लाइक एंड प्लीज सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, थैंक यू।